बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। एक्चुअली दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, ही और शी हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर नेबर्स, योर सराउंडिंग्स, हूएवर इन योर सराउंडिंग। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। सो फोर्थ क्लास, दिस इज़ लाइक कि हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम कैसे हैं, हमें क्या खाना मिल रहा है या हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं। हमें उन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि इर्द गिर्द के लोग, जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, वो कैसे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं। तो दूसरों का ख्याल रखना इस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं को पसंद करता है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, वी हैव टू स्टार्ट आवर लेसन। ओके, दिस इज़ योर लेसन नंबर वन, चैप्टर नंबर वन। हम चूँकि ये कम्प्लीट कर चुके हैं और हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए थे, सो हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी हैव डन, थर्ड क्वेश्चंस पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ द डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो वो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर अगेन समझा देती हूँ कि बेसिकली दो सेल्स होते हैं, आई एम ओवर देयर। देखें, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है मेल सेक्स सेल और एक होता है फीमेल सेक्स सेल। ये दो जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं ओव्यूल, एम्ब्रियो। ये मिलते किस में है? ओव्यूल में। ओव्यूल में मिलते हैं और ये बनाते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे सीड बन जाती है, और सीड चूँकि आगे फ्रूट बना देता है। This is actually a little description male sex cell और female sex cell fuse करते हैं, आपस में मिलते हैं, ovule के अंदर embryo बनाते हैं, embryo seed बनाता है, seed fruit बना देता है। Let we have started our reading. The fusion of male sex cell sperm with the female sex cell egg is called fertilization. Male sex cell sperm का फीमेल सेक्स सेल एग के साथ जब फ्यूजन होता है, जब ये आपस में मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स एवरी पोलन ग्रेन ऑन रीचिंग द स्टिग्मा प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर हर पोलन ग्रेन जो होता है ना, वो स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद क्या बना देता है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किस चीज़ की हेल्प करती है? कि वो स्टिग्मा से ओव्यूल तक लाने में हेल्प करती है मेल सेक्स सेल्स को, और ओव्यूल के अंदर पहले से ही फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। इट मूव्स टूवर्ड्स द ओव्यूल एंड रिलीजेज इट्स मेल सेक्स सेल्स टू फ्यूज विद द फीमेल सेक्स सेल एग इन द ओव्यूल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो ओव्यूल में पहले से ही फीमेल सेक्स सेल मौजूद होता है, और ये रिलीज़ कर देता है अपना मेल सेक्स सेल उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर जाकर, तो वो पोलन ट्यूब से गुजरता हुआ ओव्यूल तक पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। अब वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड में, और सीड के ऊपर फ्रूट बन जाता है, और फ्रूट चूँकि हम आसानी से खा लेते हैं। So this is all about fertilization. After this we are going to do our copy work. Open your copies. Okay, let me show you. You have to write the date over there, 25th little dh June 2020, classwork at the mid of your page, and your day Thursday at the right corner of the page. Topic, questions, answers. ये तो आप हमेशा से जानते हैं कि टॉपिक आपका क्वेश्चन आंसर आएगा जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन। और इसी तरीके से आंसर लिखकर आपने फर्टिलाइजेशन की हेडिंग दे देनी है पॉइंटर से, और उसके बाद आपने ये सारा एज इट इज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिख चले जाना है। पहले डेफिनेशन आ गई और आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को भी आप पॉइंटर से लिखेंगे एंड यू हैव टू राइट इट ऑल एक्सप्लेनेशन ओवर हेयर लाइक दिस। जैसे कि मैंने काम किया है और मैंने आपको अपना सारा काम दिखा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एट द एंड में एक एंडिंग लाइन भी लगाती हूँ ताकि पता चले कि आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। पढ़ के एक दफ़ा बता देती हूँ, द फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स सेल विद द फीमेल सेक्स सेल इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स एवरी पोलन ग्रेन ऑन रीचिंग स्टिग्मा प्रोड्यूसेस पोलन ट्यूब। It moves towards the ovule and releases its male sex cell sperm to fuse with female sex cell egg in the ovule. This process is called fertilization. After fertilization, ovule changes into seed. So as you all know that we have completed our question number 3 and now we are on the fill in the blanks. The arrangement of the flowers on the stem is called the इनफ्लोरिसेंस। बेसिकली ये जो लाइन आपकी लिखी है मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखी हुई है, दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड इनफ्लोरिसेंस। फ्लावर की अरेंजमेंट को कहते हैं इनफ्लोरिसेंस। ओके, स्पेलिंग देख लें, आई एन एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी ई, इनफ्लोरिसेंस। ओके, द पोलिनेशन मे बी सेल्फ और क्रॉस। अगेन आपको दिखाती चलूँ, हेयर इट इज़, पॉलिनेशन मे बी सेल्फ और क्रॉस। नंबर थ्री, द एप्पल इज अ डाइकोटिलेडन प्लांट, इट इज़ लाइक हेयर। पी, बीन्स, ग्राम, एप्पल एंड मैंगो हैव टू कोटिलेडन्स इन देयर सीड्स सो आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स। The dash of seed develop a root and a shoot, the dash embryo. Watermelon plant has many dash in the fruit. Watermelon plant के fruit के अंदर क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं? बीज, seed. Okay, circle the correct answer. Some plants bear a single flower on the stem which is called a. अच्छा, कुछ ऐसे plants होते हैं जिनमें single flower होते हैं, उनके stem को क्या कहा जाता है? Solitary flower. This is like here. Some plants have a single flower on the stem and these flowers are called solitary flowers. ये आपको नज़र आ रहा है। One is dicotyledonous plant. इनमें से कौन सा plant dicotyledonous है? हम यहाँ पर देखते चले जाते हैं। Pea, beans, cram, apple and mango have two cotyledons in their seeds, so are called dicotyledons. तो इसमें peas आ रहा है। Here it is pea. Turn next page. We are over here. During pollination, a pollen is transferred from stamens to the. Pollination के दौरान pollen transfer किए जाते हैं stamen से किधर? Stigma के पास. Stamen is a male part sex cell और जो stigma होता है वो female part होता है, तो वहाँ पर transfer कर दिए जाते हैं fusion के लिए. A new plant grows from a seed. The process is called germination. नया plant जो seed से बनता है उसको germination कहते हैं. That is like here. This process is called germination. When a seed is sown in the soil and water, its embryo begins to grow. A new plant from the seed. Seed से जब एक नया plant बनता है तो उसको क्या कहते हैं? Germination. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, germination of a seed in the different steps. Fertilization जो होती है वो flowers में होती है और seeds में germination होती है. For the developing embryo of a seed, the seed food is stored in. सीड की एम डेवलपिंग और सीड की एम्ब्रियो की डेवलपिंग के लिए हम फूड किधर स्टोर करते हैं? कोटिलेडन्स में. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर इट इज, द एम्ब्रियो यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलेडन्स. ओके, नेक्स्ट पे आ जाए, मैच द आइटम्स, पिकअप योर स्केल्स इन योर हैंड्स फॉर क्लास. ओके, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन, एस टी ए एम ई एन, स्टेमन. फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज
कार्पल CARPEL कार्पल, यंग प्लांट इन अ सीड एम्ब्रियो, राइपेंड ओवरी फ्रूट। फोर क्लास हैव यू ऑल डन दिस? वेरी गुड। ओके फोर क्लास, वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। वी जस्ट हैव लेफ्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।